बौद्धिक विकलांगता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसे शब्द है जिसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी बच्चे की सीखने की क्षमता या उसकी रोज़ की जिंदगी में के काम करने की क्षमता अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से ना हो। इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे को बौद्धिक विकलांगता है उसे अपने खुद की ज़रूरतें दूसरों को समझाने में और अपने खुद के काम करने में मुश्किल हो सकती है। हर बच्चा अलग होता है और जिन बच्चों को बौद्धिक विकलांगता है उसके लेवल्स अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि हर एक बच्चे के खुद के अलग अलग तरीके के क्षमताएं हो सकती हैं, खासियतें हो सकती हैं और चुनौतियां भी हो सकती हैं। जिस बच्चे को बौद्धिक विकलांगता हो उसे सीखने में देरी हो सकती है और उसकी विकास दूसरे बच्चों की तुलना में देरी से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा चलने में, बोलने में, समझने में और खुद के काम करने में, जैसे खुद के कपड़े पहनने में, खुद का खाना खाने में, इन सारी चीज़ों में उसे देरी हो सकती है। इसके अलावा जब बच्चा स्कूल जाता है उसे सीखने में भी देरी हो सकती है। आपके और आपके परिवार के सपोर्ट के साथ आपका बच्चा ज़रूर सीखेगा, स्कूल जाएगा, दोस्त बनाएगा, मस्ती करेगा और आपके परिवार और समुदाय का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन के रहेगा। आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को और कोई नहीं जानता है और उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा निवेशित आप ही हैं, इसीलिए आपके बच्चे के बारे में आप ही एक्सपर्ट हैं। जिन बच्चों को बौद्धिक विकलांगता है हर एक बच्चा अलग रहता है, उसके बौद्धिक विकलांगता के लेवल पे डिपेंड करता है कि वो कितना इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे, 80% से ज़्यादा बच्चे जिनको बौद्धिक विकलांगता है वो मामूली रूप का रहता है या माइल्ड रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो निजी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, खुद का काम कर सकते हैं, दूसरों के साथ मेल झोल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लिखना पढ़ना भी सीख सकते हैं और आगे जाके ऐसे कोई काम कर सकते हैं जिसे उनकी कोई आमदनी हो सकती है। बुद्धिमत्ता अलग अलग तरीके की हो सकती है। अगर बच्चे को बौद्धिक विकलांगता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर हिस्से में उसे तकलीफ होगी और हर तरीके की बुद्धिमत्ता उसकी क्षमता से बाहर है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, या फिर ऐसे बच्चे रहते हैं जो आर्ट्स में, ड्रामा में, या फिर फोटोग्राफी में, अलग अलग चीज़ों में दिलचस्पी ही नहीं लेकिन उसमें बहुत अधिक क्षमता भी दिखाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बचपन से ये पहचान लें कि पढ़ाई लिखाई ही एक तरीका नहीं है जिससे कि हम बच्चे की बुद्धिमत्ता को माप सकते हैं। बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिसमें हम बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं और आगे जाके ये बच्चे का फ्यूचर करियर भी हो सकता है। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे के विकास में देरी हो रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द आप ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढें जो बाल विकास के क्षेत्र में सब कुछ जानते हो या ज़्यादा जानते हो। ये एक्सपर्ट आपके एरिया में एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हो सकते हैं, यानी कि एक बच्चों के डॉक्टर जो खास करके बच्चों के विकास पे गौर देते हैं, या तो फिर बच्चों के डॉक्टर हो सकते हैं या साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट से मिलते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं बच्चे के पैदाइशी के बारे में, उसके विकास के बारे में और उसके चलने फिरने, बोलने, समझने के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा शायद ये एक्सपर्ट आपके बच्चे के साथ खेलेंगे, उसके साथ कुछ काम करेंगे या तो फिर उसके कुछ टेस्ट करेंगे जिससे उन्हें ज़्यादातर बच्चे के विकास के बारे में मालूम पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएं कि आपके बच्चे को कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने खुद का ख्याल कैसे कर सकते हैं। सोशल वर्कर आपके बच्चे को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिला सकते हैं, या तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस दिला सकते हैं, या स्कूल में कंसेशंस के लिए मदद कर सकते हैं। एक और स्पेशलिस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चे को रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए मदद कर सकते हैं, जैसे बच्चे को खुद से खेलना, अपना खाना खाना, कपड़े बदलना, ये सब सिखाने के लिए। फिर साइकोलॉजिस्ट भी शामिल हो सकते हैं बच्चे के देखभाल में,
साइकोलॉजिस्ट वो हैं जो शुरू शुरू में शायद बच्चे का आईक्यू टेस्ट करें, जिससे कि आपको बच्चे की क्षमता के बारे में मालूम पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई मानसिक तकलीफ हो परिवार को या बच्चे को, जैसे उदासी महसूस हो रहा हो या डिप्रेशन हो या घबराहट या एंजाइटी महसूस हो रहा हो बच्चे को या परिवार में किसी और को, उसमें वो आपको मदद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।